महोदय, जो पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय झारखंड है, उनकी पहल पर और उनके निर्देशन पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अनूठा कार्यक्रम झारखंड पुलिस प्रारंभ कर रही है दिनांक 10 सितंबर से, जन शिकायत समाधान कार्यक्रम। ये झारखंड के 2400 जिलों में दिनांक 10 सितंबर से एक साथ प्रारंभ किया जाएगा। इसमें एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हर जिले में, रांची रेंज के भी हर जिले में एक मोबाइल नंबर, एक व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल आईडी जारी किया गया है और इसका व्यापक प्रचार प्रसार प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न पुलिस अधीक्षकों ने किया है और इसमें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड की भी मदद ली जा रही है। और इन मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर या सोशल मीडिया पर लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। किसी भी प्रकार की शिकायत, अगर उनको उनके कोई मामला दर्ज नहीं हो रहा है, उनकी कोई FIR दर्ज नहीं हुई है या उनकी कोई शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई है या कहीं उनको अड्डेबाजी की शिकायत करवानी है, कहीं ईवटीजिंग छेड़खानी का कोई मामला है या कहीं कोई ड्रग्स बिकने का मामला है या कोई भूमि संबंधी विवाद है, तो ऐसे किसी भी मामले में वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, एक तो ऑनलाइन माध्यम से भी। दूसरा, जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में हर महीने में कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें पहले कैंप की शुरुआत दिनांक 10 तारीख को हो रही है। ये हर जिला मुख्यालय पर रांची रेंज के 5 जिलों में हो रहा है, इसके अलावा मंडल लेवल पर भी हो रहा है, वहाँ पर भी जाकर के लोग अपनी शिकायतों को दे सकते हैं। उनकी शिकायतों का एक एक्नॉलेजमेंट नंबर उनको दिया जाएगा, एक पावती उनको दी जाएगी जिसमें एक नंबर होगा और उस एक्नॉलेजमेंट नंबर के आधार पर वो अपनी शिकायतों की ट्रैकिंग कर सकते हैं कि उनकी शिकायतों में क्या कार्रवाई हुई है। दूसरा, जो कंप्लेनेंट होंगे उनके मोबाइल पर भी जो है ये बताया जाएगा कि उनकी शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई है। तो इस प्रकार से बेसिकली लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और इसमें समयबद्ध तरीके से इसमें काम किया जाएगा। हर शिकायत को रजिस्टर किया जाएगा, हर शिकायत का एक रजिस्टर में एंट्री की जाएगी और फिर उसके बाद क्या कार्रवाई हुई है ये आवेदन आपको बताया जाएगा। तो ये जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में शिकायतें ऑफलाइन भी दी जाएंगी और ऑनलाइन भी दी जाएंगी। इसके अलावा दूसरा इम्पोर्टेंट है कि इसमें शिकायतों को लेने के अलावा बहुत सारी जागरूकता के कार्यक्रम किए जाएंगे, जैसे 1930 का जो साइबर क्राइम की हमारी हेल्पलाइन है उसके बारे में जागरूकता, 112 के बारे में कि किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता के लिए लोग 112 पर डायल कर सकते हैं, जो डायन मिसाइल से पीड़ित हमारे क्षेत्र हैं झारखंड राज्य के, उनमें इससे संबंधित जागरूकता, इसके कानून से संबंधित, लोगों को BNSS की जो हमारे नए कानून आया है उसमें है कि आप 0 FIR भी दर्ज कर सकते हैं, ऑनलाइन FIR भी दर्ज कर सकते हैं और ये अनिवार्य है थाना प्रभारी के लिए कि अगर दूसरे थाना क्षेत्र का मामला हो तब भी वो 0 FIR दर्ज करें और फिर संबंधित थाने को शिकायतें भेजें।